सुप्रभात, मैं ममता सुराड़ी हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हमारा उपविषय व्याकरण है, जिसके अंतर्गत हमारा प्रकरण प्रिंट माध्यम के अंतर्गत आलेख के बारे में हमने जानकारी ली। आलेख किसे कहते हैं तथा आलेख के भाग के बारे में आज हम जानेंगे। आलेख लिखने हेतु महत्वपूर्ण बातें, भैया बहनों, जब हम अपना आलेख प्रस्तुत करते हैं, जिस विषय को हमें दिया गया है, जिस विषय को आधार बनाकर हमें आलेख लिखना है, तो उस हेतु ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखें, सर्वप्रथम भाषा। जब हम आलेख की प्रस्तुति करें तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा सरल, रोचक, सुगम व बोधगम्य। आलेख की भाषा सरल, रोचक से आशय आकर्षक युक्त उसकी भाषा होनी चाहिए। सुगम, आसानी से सरल तरीके से समझ आने वाली, जैसे बोधगम्य भली भांति समझ में आने वाली आलेख की भाषा होनी चाहिए। इसी भांति विषय की गहन जानकारी का होना। जो आलेख लिखने वाला लेखक है, उसको विषय वस्तु की, जो विषय दिया गया है, उसकी उसे भली भांति गहन विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण हेतु भाग्य और पुरुषार्थ में आपको आलेख प्रस्तुत करना है। आपको विषय दिया गया है कि भाग्य और पुरुषार्थ को आधार बनाकर आलेख प्रस्तुत कीजिए। अब जब हम उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं तो भूमिका के आधार पर हम लिख सकते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस भांति अगर हमने उसकी प्रस्तुति की, यानी हमारी इन दोनों ही पंक्तियों में भाग्य और पुरुषार्थ से संबंधित जो हम कहना चाह रहे हैं, वो हम आगे तो उसको गद्यांश का रूप देंगे, लेकिन हमने जो दो पंक्तियों में कहा है कि कहीं ना कहीं मनुष्य अपने भाग्य पर आधारित रहता है, यह भाव हम प्रकट कर रहे हैं वहाँ पर। और जब हम उसको विषय का जब प्रतिपादन करेंगे, अर्थात निष्कर्ष सह हम जाएंगे आलेख लिखते लिखते, तो हम उसको इस भांति भी पंक्तिबद्ध कर सकते हैं कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ धाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। तो यह हमारा निष्कर्ष सार बन जाएगा। तो कहने का आशय यह हुआ कि जो लेखक है वह उस विषय वस्तु की गहन जानकारी को रखे। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, विचारों या तथ्यों का दोहराव न होना। जो आलेख की प्रस्तुति है, उस आलेख लेख में विचार, कोई भी विचार अर्थात भाव और तथ्य अर्थात जानकारी, उसका दोहराव, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। विचारों में तारतम्यता का होना। जो हम विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमारे भाव हैं आलेख की प्रस्तुति हेतु, उसमें तारतम्यता अर्थात क्रमबद्धता होनी चाहिए। सर्वप्रथम उसकी भूमिका, उसको प्रस्तावित किया, धीरे धीरे क्रम बनाकर उसको आगे बढ़ाते चले गए। ऐसे ही भ्रामक या संदिग्ध जानकारी का ना होना। आलेख अनुमान आधारित कोई भी बात आलेख में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित एक प्रमाणिक रचना होती है, इसलिए इसमें भ्रामक माने भ्रम उत्पन्न करने वाली संदिग्ध जानकारी नहीं होनी चाहिए। गंभीर अध्ययन पर आलेख क्या है? गंभीर अध्ययन पर आधारित एक प्रमाणिक रचना है, इसलिए इसमें भ्रामकता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में आलेख की जो शैली है, शैली से आशय, तरीका या ढंग कैसी होनी चाहिए? विवेचन, विश्लेषण और विचार करना। लेकिन ध्यान क्या रखना है इसमें? विवेचन और विश्लेषण के समय, जब आलेख की जो शैली है, जो उसका बनावट है, तरीका है, तो उसमें जब हम विवेचन करें या फिर उसमें विश्लेषण करें, विश्लेषण से आशय छटाई करना, तो विचारों में जो दोनों ही मध्य में विरोधाभास नहीं होना चाहिए, न विवेचन के समय न विश्लेषण के समय, शब्दों के मध्य में विरोधाभास की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसी भांति हास्य या व्यंग बातों का अभाव। आलेख के अंतर्गत हास्य या व्यंग से आशय कटाक्ष भरे शब्दांश नहीं होने चाहिए। नवीनता और ताजगी से युक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण, कोई भी आलेख नवीनता और ताजगी से युक्त होना चाहिए, अर्थात दिए गई विषय वस्तु पर कुछ नयापन, कुछ नवीनता उसमें अवश्य होनी चाहिए। इसी क्रम में आलेख विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति वाला होना चाहिए। हमारे द्वारा लिखित जो आलेख है वह कैसा होना चाहिए? विद्यार्थियों में या पाठक में क्या उत्पन्न करने वाला?
जिज्ञासा, जानने की इच्छा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। कल्पना से परे जो इसका आलेख है वह कैसा होना चाहिए? कल्पना अर्थात सोच से परे होना चाहिए, दूर होना चाहिए। यदि आलेख लिखने हेतु ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें, मैं आशा करूंगी आप सभी भैया बहनों को आलेख लिखने हेतु महत्वपूर्ण बातें भली भांति ध्यान में आई होंगी और इन समस्त बातों को ध्यान में रखकर आप आलेख की प्रस्तुति करेंगे।